हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जो मेरी फैमिली के मेंबर है, मतलब कि जो मेरा चैनल है उस पे जो सब्सक्राइबर है मेरे, जो मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, मैं उन्हें अपनी फैमिली का मेंबर समझता हूँ। तो जो फैमिली के मेंबर हैं वो मुझसे कई बार सवाल करते हैं कि सर, अगर आपकी नॉलेज में कोई नौकरी है तो मुझे बताइए, हमें नौकरी चाहिए, हमें जॉब चाहिए प्लास्टिक इंडस्ट्री में, हमने कोर्स किया हुआ है या हमारे पास एक्सपीरियंस है इतना कि हम जॉब कर सकते हैं, तो अगर आपके कोई मतलब संज्ञान में कोई नौकरी है, कोई जॉब है तो बताइए। तो दोस्तों, मैं उनको कहता हूँ कि अगर कोई जॉब मिलेगी, कोई मेरे पास आएगा, कहेगा कि कुछ बच्चे दे दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप खुद से भी जॉब हासिल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ मैं तरीके बताऊंगा, 3 या 4 या कोई 5 तरीके बताऊंगा मैं आपको जॉब पाने के लिए, कि आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे अपने लिए सेल्फ खुद से जॉब ढूंढ सकते हो। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उस पर एक भाई ने कहा था कि सर, वीडियो काफ़ी दिन से नहीं आ रही, 4-5 दिन हो गए शायद। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कहा था कि आज शाम को वीडियो आएगी, तो मैं उसी को लेकर वीडियो बना रहा हूँ, जो टॉपिक मैंने आपको व्हाट्सएप पे बताया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ तरीके बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा आपको। आप वीडियो पर बने रहिए, एंड तक देखिए वीडियो को, आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम और आप जुड़े रहें और सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आता है स्किल। मतलब हम बचपन से लेकर बड़े होने तक पढ़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा, किसी भी फील्ड में हम पढ़ाई करते हैं। मतलब 12th तक तो हम सेम ही पढ़ाई करते हैं, और 12th के बाद हमारे रास्ते चेंज हो जाते हैं। कोई बीए करता है, कोई बीएससी करता है, कोई डिप्लोमा करता है, डी फार्मा, बी फार्मा, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कोर्स हैं जो इंसान करते हैं, जो बच्चे करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जो स्टडी है वो छूट जाती है, 12th से पहले छूट जाती है। मतलब किसी कारणवश आर्थिक तंगी, जिनके पास पैसा नहीं होता, या फिर घर के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी उनके सामने सिचुएशन आ जाती है कि उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो वो बच्चे क्या करें, मतलब अगर वो पढ़ाई छोड़ दी, उन्होंने जानबूझ के तो छोड़ी नहीं है, कुछ ऐसी कंडीशन बनी थी जिसके कारण उन्हें पढ़ाई मजबूरन छोड़नी पड़ी, तो अब वो क्या करें, क्या उनको जॉब मिलेगी, क्या वो आगे नौकरी कर पाएंगे, या फिर वो मजदूरी करते फिरेंगे? नहीं दोस्तों, वो मजदूरी नहीं करेंगे, उनको जॉब मिल जाएगी। देखिए, सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने, जो भारत सरकार है, उन्होंने एक कोर्स चलाया हुआ है इस फील्ड में भी, प्लास्टिक के फील्ड में, जो शॉर्ट टर्म कोर्स है, 3 महीने का और 6 महीने का। तो जो उसमें 8th फेल या 8th पास या 10th या 12th जो ये क्लासे कर रखी है जिसने, वो अपना एडमिशन ले सकता है सीपेट कॉलेज में जाकर, आफ्टर 8th, 10th और 12th, ये 3 क्लास करने के बाद। अगर आप 8th पढ़े हुए हो तब भी, 10th पढ़े हुए हो तब भी, और 12th पढ़े हुए तब भी, तो आप ये शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हो जाकर, ये है स्टडी। तो मतलब जब आप कोर्स कर लोगे वहाँ पर 3 महीने का या फिर 6 महीने का, तो आपको लेने के लिए कंपनियाँ कॉलेज में ही आएगी, मतलब कॉलेज वाले ही आपका प्लेसमेंट करवाएंगे। तो ये होगी स्टडी के थ्रू आपकी जॉब लगना, मतलब प्लेसमेंट होएगा आपको कॉलेज से ही। दूसरा, जो हाई लेवल के होते हैं, मतलब कि जिनके पास ना तो आर्थिक तंगी होती, उनके पीछे सपोर्ट घर वालों का बहुत अच्छा रहता है, फैमिली मेम्बरों का आर्थिक तंगी भी नहीं होती कोई, मतलब अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं वो 12th के बाद भी, और अच्छी पढ़ाई करने के बाद वो कैसे नौकरी ले। देखिए, इसके लिए भी बहुत सारे कोर्स होते हैं सीपेट में। आप 12th करोगे, 12th के बाद आपको केमिस्ट्री से बीएससी करनी होगी, डिग्री करनी होगी, बैचलर ऑफ साइंस, उसमें कंपलसरी है कि उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। तो उसका जो लॉन्ग टर्म कोर्स आता है, एक तो होता है डीपीटी और एक होता है पीपीटी, तो ये बहुत सारे कोर्स आते हैं लॉन्ग टर्म में भी। अगर आप उन कोर्स को कर लोगे, उनकी जो डायरेक्शन है, उनकी जो टाइमिंग है कोर्स की, वो 1 साल है और एक की 3 साल है। 3 साल वाले को आप आफ्टर 10th भी कर सकते हो, आफ्टर 10th या फिर 12th के बाद कर सकते हो, लेकिन जो 1 साल का है पीपीटी, उसको आप आफ्टर बीएससी करोगे, आपकी बीएससी उसमें होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये हो गया स्टडी के थ्रू जॉब लगना। अब बात आती है कि जो शॉर्ट टर्म कोर्स किया है बच्चों ने, जिनके पास आर्थिक तंगी थी, और एक है कि जो लॉन्ग टर्म कोर्स किया है पैसे दे के। हाँ, ये आपको एक बात और बता दूं, जो शॉर्ट टर्म कोर्स होता है ये सरकार अपनी तरफ से करवाती है निशुल्क, पूरी तरह से, इसमें कोई पैसा नहीं लगता,
सीपेट, इसका सीपेट में आपका एडमिशन होगा, गवर्नमेंट आपको सारा खर्चा देगी, आपका सारा भार उठाएगी पैसे का, खाना पीना रहना और कॉलेज की फीस। तो आप इसमें फ्री में कोर्स करके जॉब पा सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म कोर्स है उसमें आपके फीस लगती है, उसमें फीस लग के आप पढ़ाई करोगे, फिर जो कंपनी आएगी प्लेसमेंट के लिए वो कुछ मतलब आपका जो हाई लेवल का वैकेंसी है, मतलब जो शॉर्ट टर्म के कोर्स के थ्रू वैकेंसी मिलती है उससे कुछ ज़्यादा ऊपर सैलरी भी अच्छी मिलेगी आपको और पोस्ट भी कुछ अच्छी ही मिलेगी। तो दोस्तों ये दोनों डिफरेंस हो गए स्टडी में, आपकी जो मतलब कोर्स करोगे आप जिसके थ्रू आपकी जॉब लगेगी। अब दूसरा आता है कंसल्टेंसी। दोस्तों कंसल्टेंसी का नाम आपने सुना होगा, कंसल्टेंसी होता है आपके पास एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा भी है, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आपको क्या करना होगा, आप जाइए कंसल्टेंसी पर। कंसल्टेंसी कई शहरों में खुला होता है, मतलब कंसल्टेंसी का जो अर्थ है, जो मीनिंग है वो ये है, जैसे शादी के लिए ब्यूरो खुली होती है कि आप वहाँ पे अपनी फाइल जमा करते हो, अपना सारा बायोडाटा, और वो लड़की वालों को दिखाते हैं या लड़की वालों की लड़कों वालों को दिखाते हैं, तो आपस में शादी तय करवा देते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है, आप वहाँ पे जाके बताओगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्वालिफिकेशन बताओगे, और जो कंपनी वाले हैं वो कंसल्टेंसी से कॉन्टैक्ट करते हैं कि बताएंगे कि हमें बच्चों की ज़रूरत है, अगर आपके पास बच्चे हों तो हमें बताइए। तो जैसे ही आप कंसल्टेंसी पर पहुँचोगे और आपको वहाँ पर कुछ वैकेंसी बताई जाएगी कि उस कंपनी में इतनी वैकेंसी है, आप वहाँ पर जाके इंटरव्यू दे दीजिए, और अगर आपकी वहाँ पे जॉब लग जाती है, आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको कंसल्टेंसी को कुछ पैसे देने होंगे। वो पहले ही तय कर लेते हैं कि आप अपनी फर्स्ट सैलरी में से हाफ सैलरी हमें दे दीजिएगा, हम आपकी जॉब लगवा देंगे। तो दूसरा है कंसल्टेंसी के द्वारा जॉब लगना। अब बताया तीसरा, तीसरा होता है सोर्स, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, उनमें आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके सीनियर हैं, कोई दोस्त है, या फिर आपके पापा के दोस्त हैं, वो जॉब करते हैं, तो आप उनकी सोर्स के द्वारा उसमें लग सकते हो। लेकिन इसमें भी जरूरी है कि आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। एक बार आप कोर्स करके जब लगोगे तो आप फ्रेशर लग सकते हो, आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आप सोर्स के द्वारा लगोगे तो आप फ्रेशर 1% ही उसमें जॉब कर पाओगे, लेकिन आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री नहीं है, स्टडी स्किल नहीं है, तो दोस्तों तीसरा नंबर हो गया सोर्स का। चौथा नंबर हो गया एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा, एक टैलेंट आपके पास होगा, तो कंपनी आपको ढूंढ ही लेगी, कंपनी आपको ढूंढ लेगी और आपको जॉब दे देगी बिना बताए, अगर आपके पास टैलेंट है। क्योंकि आप देखते होंगे आजकल टिकटॉक चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, तो बच्चे उसमें वीडियो बना के डालते हैं, उनका टैलेंट इतना है कि जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं और जो बहुत बड़े बड़े स्टंटमैन हैं, उनके जैसा ही उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन उन्हें कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। अब वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है टिकटॉक के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आपके अंदर टैलेंट जरूर होना चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हो। आपको जो मोबाइल मिला हुआ है उससे कुछ नई नई चीज़ें सर्च करिए, नई नई चीज़ें आप सर्च करोगे तो आपको नॉलेज बढ़ेगी, मतलब जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, उस फील्ड की अगर आप सर्च करोगे मोबाइल पे, तो आपके मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, उसमें से आप सीख सकते हो, कुछ नॉलेज ले सकते हो। अगर वो नॉलेज आप ले लोगे तो आपके आगे काम आएगी ही आएगी। अब आता है नेक्स्ट दोस्तों, चौथा या पांचवा जो भी पॉइंट है, मैं भूल गया। तो अब आता है naukri.com, एक वेबसाइट है naukri.com के नाम से, आप उस पर अपनी मेल आईडी डाल सकते हो, मेल आईडी डाल के अपना पूरा बायोडाटा डाल सकते हो, और उसमें आप मतलब जब भी कोई जॉब की वैकेंसी निकलेगी किसी भी कंपनी में, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, और उस नोटिफिकेशन के थ्रू आप जाओगे जहाँ पे भी वैकेंसी निकली हुई है, जिस भी जॉब की जो वैकेंसी निकली हुई है, आप वहाँ पे जाओगे, एक फॉर्म भरोगे, वहाँ पे बताया जाएगा कि इंटरव्यू कब होना है, पहले अपनी आप बताओगे कि आप जॉब करना चाहते हो, उसमें लिखा भी आता है नीचे कि उन्हें कितने एक्सपीरियंस के बंदे चाहिए, 0 एक्सपीरियंस के भी, 1 साल एक्सपीरियंस, 2 साल एक्सपीरियंस, तो ऐसे मिलता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट नंबर है वो है naukri.com ऐप वेबसाइट पे जाके आप उसमें फिलअप कर सकते हो अपना ईमेल आईडी और अपना बायोडाटा। तो दोस्तों ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए थे, आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप इन तरीकों को लेकर अपनी जॉब सिलेक्ट कर सकते हो। नंबर एक था स्टडी स्किल्स, जो कोर्स हम करके जाते हैं उसके थ्रू जॉब लगना। नंबर दो था सोर्स, किसी के सोर्स के द्वारा हम जॉब लगवा सकते थे। नंबर अगला था एक्सपीरियंस, कि हमारे पास एक्सपीरियंस कितना है, हमारे अंदर टैलेंट कितना है, उसके थ्रू हम जॉब लगवा सकते हैं। नंबर अगला था, नेक्स्ट जो नंबर था वो था naukri.com जो वेबसाइट है, इसके थ्रू आप अपनी जॉब लगवा सकते हो। और एक था इसमें कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी के द्वारा भी आप अपनी जॉब लगवा सकते हो। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी,
अगर इस वीडियो के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप नंबर आपकी ये डिस्प्ले पे चल रहा होगा, आप यहाँ से नोट कर लीजिए और हमें वहाँ पे सवाल पूछ सकते हो। और इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप जो हम स्टडी करवाते हैं उसकी पीडीएफ भी होती है, पीडीएफ बुक कर सकते हो। किसी भी क्वायरी, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप हमसे इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ से ही आपका सोल्यूशन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे प्यारा एक कमेंट भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो में। और तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी केयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारा एक नया चैनल भी है प्लास्टिक प्रोसेसिंग के नाम से। अगर आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उस पर पता वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ, उस पर 6 वीडियो डली हुई है, आप उन्हें जाकर देखिए। मैं इसलिए नहीं डाला क्योंकि दोस्तों मैंने एक टारगेट रखा था कि जब मेरे इस चैनल पे 14-15 हज़ार सब्सक्राइबर हैं तो क्या उस चैनल पे कम से कम भी 3 हज़ार सब्सक्राइबर नहीं होने चाहिए। आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, जब उस पे 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं तभी से वीडियो डालना उस पे स्टार्ट कर दूंगा। कम से कम 1000-1500 तो कम से कम होने चाहिए। आप जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पे लिंक पे क्लिक करके उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।